टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंसोल बॉन्ड के बारे में। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। बीते दिनों आर्थिक विशेषज्ञों द्वारा भारत सरकार को कंसोल बॉन्ड जारी करने की सलाह दी गई। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे कोविड-19 के कारण बदहाल हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मदद मिल सकती है। आइए जानते हैं कंसोल बॉन्ड क्या है। इसे परपेचुअल बॉन्ड भी कहा जाता है। इस बॉन्ड की कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है। जिस डेट पर बॉन्ड की फेस वैल्यू निवेशक को वापस की जाती है उसे मैच्योरिटी डेट कहते हैं। इस बॉन्ड में निवेश करने वाले को प्रिंसिपल अमाउंट तभी मिलता है जब बॉन्ड जारी करने वाला चाहे या फिर निवेशक इस बॉन्ड को दूसरे निवेशक को बेच दे। हालांकि इस बॉन्ड पर निवेशक को स्थायी ब्याज मिलता रहता है। यदि बॉन्ड जारी करने वाला चाहे तो एक विशेष समय अवधि के बाद बॉन्ड को वापस भी खरीद सकता है। भारत में परपेचुअल बॉन्ड स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्ट किए जाते हैं। निवेशक एक्सचेंज पर इन्हें खरीद या बेच सकते हैं। इस बॉन्ड को अक्सर डेब्ट के बजाय एक प्रकार की इक्विटी माना जाता है। सामान्यतः बड़ी विनिर्माण कंपनियां और बैंक अपनी दीर्घकालिक पूंजी के लिए कंसोल बॉन्ड जारी करते हैं। आइए जानते हैं इसके और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस बॉन्ड का उपयोग किया था। उस दौर में युद्ध के खर्चे वहन करने के लिए 1917 में 5% की ब्याज दर पर कंसोल बॉन्ड जारी किए गए थे। प्रथम विश्व युद्ध के 100 वर्षों बाद वर्ष 2014 में ब्रिटिश सरकार ने कुल बकाया कंसोल बॉन्ड ऋण का 10% अदा किया था। आइए जानते हैं कंसोल बॉन्ड एवं भारत के महत्वपूर्ण तथ्य। भारत सरकार ने महामारी से पहले बजट 2020-21 में 7.96 लाख करोड़ के घाटे का अनुमान लगाया था। कोविड-19 की वजह से इस घाटे के और ज्यादा बढ़ने का अनुमान है। विशेषज्ञों की सलाह है कि पीएम केयर्स फंड में डोनेट करने के बजाय लोगों से कंसोल बॉन्ड में निवेश करने की अपील की जानी चाहिए। इससे देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में नागरिकों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित होगी। पीएम केयर्स के विपरीत कंसोल बॉन्ड से हुई आय का सभी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बारी है आज के प्रश्न की। कंसोल बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे परपेचुअल बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, इस बॉन्ड की परिपक्वता अवधि 6 महीने की होती है। तीसरा, भारत में इन्हें स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 1 और 3, सी, केवल 2 और 3, या फिर डी, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।